हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा। आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। आज हम आपको ग्रुप डी का 20 आज का पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का हो गया है, तो कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देख लीजिए, इसमें जो जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें गुड अटेम्प्ट है 16 to 21। अभी सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी बताएंगे जरूर। और जो रीजनिंग पार्ट है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें 30 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। उसमें गुड अटेम्प्ट गया है 20 to 23, ठीक है। और क्वेश्चन जो आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। जनरल साइंस जो है 25 का है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। इसमें गुड अटेम्प्ट गया है 14 to 18। और जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो है 20 है, वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। इसमें गुड अटेम्प्ट गया है 14 to 15। जो टोटल पेपर शिफ्ट वन का जो गया है एकदम मॉडरेट लेवल का गया है। तो ये देखिए, हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, कौन सा पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, एसआईसीआई जो है बड़बड़ के तरह फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। कल का क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, आज में भी ऐसा ही है। एसआईसीआई में एसआईसीआई जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आए जो मॉडरेट लेवल का है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आ रहा है जो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और प्रॉफिट लॉस जो है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और एजेस जो है 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब पेपर में। टाइम एंड वर्क जो है उसमें से 2 क्वेश्चन है जो इजी लेवल का है। जियोमेट्री जो है 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी इजी का है। और एवरेज 1 क्वेश्चन इजी है। एवरेज, एजेस, ये सब जो है उसमें से 1 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि एकदम इजी है। डीआई जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो मॉडरेट लेवल का है। परसेंटेज जो है उसमें से इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट है। तो टोटल पेपर जो था मैथ्स का पेपर वो मॉडरेट। रीजनिंग का देखिए, इसमें जो जो टॉपिक है इसमें सिलॉक्स जो है, सिलॉक्स से फर्स्ट सीट में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मल यही आता है आ रहा है। इजी क्वेश्चन पूछा गया। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन जो कि इजी है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, नॉर्मल कैलकुलेशन, उसमें इजी क्वेश्चन आया है, 2 को आया है। और मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन इजी, ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन, ठीक है। ऑड वन आउट भी इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग जो है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। एनालॉजी से 6 से 7, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन इजी लेवल का है। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, ये भी इजी लेवल का है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। काउंटिंग फिगर में 1 क्वेश्चन जो इजी, एकदम इजी पूछा जा रहा है। तो टोटल पेपर रीजनिंग का था इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट देखिए, जीएस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स से फर्स्ट सेट में पूछा गया 8 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। कल का पेपर भी ऐसा ही था, उसमें भी आपका 8 से 11 क्वेश्चन ही आया था जो इजी लेवल का है। केमिस्ट्री जो है 7 से 9 मॉडरेट लेवल का था। बायोलॉजी जो है 7 से 11, टोटल जो पेपर था इजी टू मॉडरेट लेवल का था जीएस से, ठीक है। सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट हम जल्दी आपको बताएंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पांडिचेरी जो पुदुचेरी है अभी, उसका गवर्नर का नाम क्या है? के बेदी, ठीक है, किरण बेदी। आईसीसी लाइफ टाइम अवार्ड वुमेन किसको मिला है? संता रंगस्वामी, ठीक है। 2018 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट, गोल्डन बूट किसको मिला है 2018 फीफा वर्ल्ड कप में? हैरी केन जो है। कल का क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, आज भी आया है, तो देख लीजिए। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव विल बी हेल्ड इन, कहाँ पे हो रहा है? गोवा में। नेक्स्ट देखिए, ओशियन सन रे डायग्राम, ठीक है, ओशियन सन रेस जो है उसमें उसका जो डायग्राम है वो रिलेटेड एक क्वेश्चन था। व्हिच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट, लाइट का कंट्रोल करता है आई का कौन सा पार्ट? प्यूपिल, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव इंडिया हेल्ड इन गोवा, ठीक है। व्हिच वन इज कंटीजियस डिजीज, ठीक है, कुछ ऑप्शन था उसमें से एक चुनना था, कौन सा कंटीजियस डिजीज है इसमें से? कि फ्लू था, फ्लू एक कंटीजियस डिजीज है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? हर्ज है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, एकदम नॉर्मल, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, कंटिन्यूअस पूछा जा रहा है। लिटमस न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है लिटमस, वो आपका कौन सा कलर का है? पर्पल, ठीक है, पर्पल का है। व्हिच वायर इज यूज्ड इन बल्ब, बल्ब का, बल्ब में कौन सा वायर जनरली यूज्ड होता है? प्योर टंगस्टेन, ठीक है।
एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी शायद कल का क्वेश्चन में था। देखिए रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हु ओन कबड्डी इन 2016, 2016 का भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी पढ़िए। 2016 में कौन कबड्डी जीते थे, अजय ठाकुर, इंडिया से जीते थे अजय ठाकुर। नेक्स्ट है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन 2018 कौन जीते, डियाना ईदुल जी, ठीक है डियाना ईदुल जी। हु ओन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 मेन, ठीक है मेन ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है कौन जीते हैं, रॉजर फेडरर, रॉजर फेडरर को कोई नहीं हरा सकता है, ये 2018 में भी जीत गए ऑस्ट्रेलिया ओपन। और एक क्वेश्चन था मैथ से, किस संख्या का 60% का 3/5 व भाग 36 हो तो संख्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा इजी टाइप का नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क क्या है, ये 6.5 to 6.7, ठीक है। और एक क्वेश्चन था ऐसा, 50% वृद्धि होने पर 50% अगर इंक्रीज हो जाए तो 50% की कमी होती है, 50% डिक्रीज हो जाए तो विटामिन से और विटामिन के पता करेंगे, ठीक है इसका पता करने के लिए आया था, ऐसा कुछ मैथ्स का क्वेश्चन था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट पाकिस्तान फर्स्ट लेडी, ठीक है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है जो फर्स्ट लेडी थी, कौन है, मियां सकीब निसर, सकीब निसर। सीईओ ऑफ सैमसंग, सैमसंग का सीईओ कौन है, डीजे को, डीजे को। तो देखिए अभी सीईओ बहुत पूछा जा रहा है, नोकिया सैमसंग ये सब पढ़ लीजिए, कुछ भी आ सकता है। नीति आयोग चेयरमैन, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी, मोदी जी है नीति आयोग का चेयरमैन, ठीक है। ऐसा स्क्वायर निकालने के था 5476 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। लंदन फिल्म अवार्ड 2018 विनर ऑफ इंडिया कौन जीते हैं, इरफान खान, ठीक है इरफान खान। वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे होता है, ठीक है, और मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, तो पढ़ लीजिए। ग्रेट सर्कल इज नोन एज, ग्रेट सर्कल जो है वो आप किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर को भी हम लोग बोलते हैं ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो पोल इक्वेटर से क्वेश्चन आ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 4, देन सीपी इज, ऐसा क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस से सीपीएसपी से। गोल्डन बूट फीफा 2018 ये तो बताया आपको, हैरिकेन जो है। इस्पात उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़े भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है, ये क्वेश्चन भी आया है, इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी, ऑडी जो है, ऑडी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली, ठीक है ये सबको ही जानते ही होंगे, इम्पोर्टेंट है। व्हिच प्रोटीन हैज इन एग, एग में कौन सा प्रोटीन है, ओवल ब्यूमिन, ओवल ब्यूमिन। रिहान नदी परियोजना बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते ये परियोजना, रिहान नदी परियोजना, ये है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्रा, उसमें ये परियोजना यहाँ पे हुआ है, रियान नदी परियोजना। और एक क्वेश्चन ऐसा था बल्ब से रिलेटेड, बल्ब में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हम आपको जल्दी जल्दी जीएस का क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो आपका रिपीट हो रहा है। देखिए ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और देखिए ये है बाबरनामा, बाबरनामा अकबरनामा ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बाबरनामा जो है वो कौन सा लैंग्वेज से लिखे है, रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, ठीक है ये आपका तुर्की लैंग्वेज से लिखे है, जो कि बाबर का मदर टंग है, तुर्की बाबर का मदर टंग है, ठीक है। तो चुरगट है तुर्की, व्हिच वाज बाबर्स मदर टंग। 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन विनर, ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी हम बताए आपको, मेन कौन जीते हैं 2018 रॉजर फेडरर, और वुमेन कौन जीते हैं कैरोलिन वोजनियाकी, कैरोलिन वोजनियाकी। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है, 29 अगस्त, ठीक है। डे से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, देख लीजिएगा डे सारा। 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स क्या है, नोबेल गैसेस, ठीक है नोबेल गैसेस है 18 ग्रुप एलिमेंट्स।
वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितना है? टू, ठीक है, मैग्नीशियम का वैलेंसी पूछा गया, तो आप देख लीजिएगा सारा का। म्यूजिक इज रिलेटेड टू व्हिच वेद, कौन सा वेद के साथ म्यूजिक रिलेटेड है? ये है सामवेद, ठीक है, ऐसा इसका कुछ ऑप्शन दिया होगा, सामवेद, चतुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसा कुछ होगा, तो इसका आंसर है सामवेद, द वेद ऑफ चर्ण्स। विनर ऑफ ताल मेमोरियल रैपिड चेस टूर्नामेंट इन मॉस्को, मॉस्को में जो रैपिड चेस टूर्नामेंट हुआ था वो उसका विनर कौन था? विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ, कौन एसिड को हम लोग कॉमन नेम, मतलब किसका साधारण नेम है इथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3NH2O। यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली कौन यंगेस्ट फीमेल कौन है? मलवतपूर्णा, मलवतपूर्णा। आईफा 2018 कहाँ पे हुआ है, वेन्यू क्या था इसका? आईफा 2018 का थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पाकिस्तान फर्स्ट लेडी, ठीक है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का